कैडेट्स। तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं द मोस्ट प्रेस्टिजियस टॉपिक, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करने वाले हैं, विच आर ऑल अबाउट अवर पैरा कमांडोज। पैरा कमांडोज आर द इलाइट फोर्सेस, द प्रेस्टिजियस फोर्सेस जो हमारी आर्मी की, जो हम लोग बात करते हैं अपनी आर्मी की, अपनी इंडियन आर्मी। यू नो व्हेन यू जस्ट टॉक अबाउट इंडियन आर्मी, जब आप इसका नाम लेते हो आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि आर्मी में जाने का एक सपना होता है एक किसी बंदे का। जब भी वो बंदा टेंथ पास करता है, चाहे कोई किसी भी गांव से हो चाहे किसी भी शहर से हो, व्हेन वी वेंट, उसके दिमाग में जब ये चीज आती है ना कि इंडिया आर्मी में जाना है, तो उस दिमाग में बहुत ही पहले स्ट्रक करती है बात कि यार अगर आर्मी में जाना है तो बनूंगा मैं क्या, बनूंगा मैं पैरा कमांडो। बिकॉज पैरा कमांडो एक इलाइट फोर्स है, पूरी इंडिया में सबसे रिगरस ट्रेनिंग और हार्ड ट्रेनिंग अगर किसी की है तो वो पैरा कमांडो है। इसके बाद जस्ट आती है आपकी मैरिन कमांडोज, विच आर मार्कोस। ओके, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं इनकी जो 01/2022 का जो इंटेक होने वाला है रिसेंटली, जो बेंगलुरु में जाके इसकी ट्रेनिंग होने वाली है, उसके बारे में मैं अपने चैनल पर बताऊंगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी रेजिमेंट के तहत जो भी चीजें जानकारी मुझे मिलेंगी, कैसे रैली होगी, कैसे करके आप कमांडो बनेंगे, वो सब मैं अपनी वीडियोज में आज से स्टार्ट करूंगा डालना। तो आपको नोटिफिकेशन को दबा लेना है, जिससे मैं जो भी वीडियो डालूं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो इस वीडियो आज हम लोग बात करने वाले हैं पैरा कमांडो, जो पैरा कमांडोज होते हैं उनकी जो नेटिव और जो बेसिक सैलरी होती है वो क्या होती है, और जो अलग भत्ते मिलते हैं उनके क्या-क्या सैलरी और अलाउंसेस उन्हें मिलते हैं, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आपको बता देते हैं क्या है भत्ते और क्या है इनकी सैलरी, वो बता देते हैं। तो कैडेट्स, तो हम आपको बताना चाहते हैं कि जो सबसे पहले पहले जो इसके जो दो साल पीछे की जो हम लोग बात करें, तो कोविड की वजह से कोई भी रैली हमारी नहीं आई थी, बट अब जब कोविड खत्म होने की कागार पर है, एक अपेक्स पॉइंट है, तो अब जो रैलीज आने वाली हैं वो जरूर आने वाली हैं, और अब की बार जो रैलीज आएंगी वो ज़्यादा वैकेंसी लेकर आएंगी, कम से कम 9,000 से 10,000 वैकेंसी आपकी होने वाली है इस बार। तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कोई भी मुझे नोटिफिकेशन मिले रैली के रिलेटेड हम आपको बता सके, जिससे आप वो वीडियो देख के आप अपनी जानकारी और डॉक्यूमेंटेशन को तैयार कर सकें। तो अब हम लोग पहले बात करते हैं दोस्तों, इसको मैं बिगाड़ देता हूं, अब हम लोग पहले बात करते हैं दोस्तों, सबसे पहली चीज करते हैं कि बेसिक सैलरी क्या होगी, बेसिक सैलरी क्या रहने वाली है हमारी पैरा कमांडोज की, जो कि 01/2022 के इंटेक के लिए आपको हम लोग बता देते हैं। ठीक है, तो 01/2022 के इंटेक के लिए जो बेसिक सैलरी रहने वाली है पैरा कमांडोज के लिए वो होती है 17,330 पर मंथ आपको मिलने वाली है। तो दोस्तों ये है, इसे कहते हैं हम लोग द बेसिक सैलरी, और वी कैन से द नेटिव सैलरी। ओके, अब इसकी प्लस में आपको एक एमएसटी भी मिलती है, जो कि मिलती है आपको 25,000 रुपए की, 25,000 रुपए की मिलती है। दोस्तों जैसे ही बात करें बेसिक सैलरी और जो हम लोग एमएसटी मिलती है वो बात कर ली है, अब हम लोग बात करते हैं ना एवरेज सैलरी, करते हैं हम लोग एवरेज सैलरी की। देखिए इन सब को मिला के अभी जो मैं आगे अपनी वीडियो में, इसी वीडियो में बताने वाला हूं आपको, भत्ते बताने वाला हूं कि उसमें कितने कितने पैसे मिलते हैं, हर चीज आपको बिल्कुल डिटेल्ड वे में आपको इस चैनल पे पता चलेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो एवरेज सैलरी इनकी जाती है 74,000, इनकी जाती है 74,000 से 1,64,000 तक इनकी सैलरी दोस्तों चली जाती है। बिकॉज इनकी जो लेवल होती है वो बढ़ती जाती है, जितना ज्यादा आप अपने मतलब वर्क करते हैं उस पोस्ट पर, वो पोस्ट जब आपकी बढ़ती जाती है तो आपकी सैलरी भी गोज ऑन इंक्रीजिंग, तो आपकी सैलरी भी बढ़ती जाती है। तो दोस्तों अब हम लोग बात कर लेते हैं, तो ये तो थी इनकी बेसिक सैलरी, अब ये 74,000 से 1,64,000 का कैसे जाती है, अलग अलग भत्ते क्या है वो हम आपको बता देते, चलिए देख लेते हैं क्या। तो दोस्तों अब हम लोग बात करने वाले हैं, हम लोग आगे का सेशन देखते हैं पैरा कमांडोज को जो भत्ते मिलते हैं वो क्या क्या भत्ते मिलते हैं, बहुत ही मजा आ जाने वाला है आपको ये देखने के बाद। तो दोस्तों मैं इससे पहले आपको बताना चाहता हूँ, जो पसीने से नहाते हैं वही दोस्तों इतिहास बदलते हैं, जो साबुन से नहाते हैं वो जस्ट लिबास बदलते हैं। तो आप मेहनत कीजिए, आप जरूर पैरा कमांडो बनने का जो सपना है आपका जरूर पूरा होगा, वो जोश के साथ पूरा होगा, बिकॉज मैं भी और आप भी, सभी लोग आर्मी में एक सपना होता है कि आर्मी में जाने का। तो मैं आपसे ये जरूर कहूंगा कि आप मेहनत कीजिए, आप जरूर ही पैरा कमांडो में जा सकते हैं, पैरा कमांडो में तैनात हो सकते हैं दोस्तों। तो अब हम लोग बात करते हैं कि
लाइफ लॉन्ग पेंशन आपको सबसे पहली चीज जो आपकी जो भत्ते में मिलती है वो लाइफ लॉन्ग पेंशन होती है। आपके रिटायरमेंट के बाद आपको लाइफ लॉन्ग पेंशन मिलेगी। ट्रांसपोर्ट में आपको फैसिलिटीज मिलेगी, अगर कोई चीज 7,000 की है तो वो 2,000 में आपको कंसेशन आपको दिया जाएगा, तो वो चीज आपकी 5,000 में हो जाएगी। मेडिकल में फैसिलिटीज मिलेगी, अगर आपकी फैमिली को आपको आपकी शादी के बाद किसी को कुछ भी होता है उसमें आपको मेडिकल में बिल्कुल फ्री मेडिकल आपको दिया जाएगा। डियरनेस, आपका रहने का खाने का सब कुछ आपको फ्री होगा। हाउसिंग, जहां पर आप रहते हैं उसके क्वार्टर्स वगैरह वो सब आपके लिए फ्री होंगे। किट मेंटेनेंस, आपकी पूरी यूनिफॉर्म सब कुछ, यूनिफॉर्म से लेकर आपके जूते जूते सब कुछ आपका जो है ना वो गवर्नमेंट देखती है, उसके भत्तों में आपका जुड़ता है दोस्तों। तो ये जो किट मेंटेनेंस और मेडिकल फैसिलिटीज के इसके कुछ रिलेटेड जो रुपए मिलते हैं उन्हें मिलते हैं 70,464 रुपए। ये बिल्कुल करेक्ट जो मैंने बताया है, ये जो फीस रिसिप्ट से मैंने आपको बताया है कि 27,464 रुपए सबको मिला के आपको टोटल मिलते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं फी एरिया एलोवेंस। देखिए हम आपको बात करते हैं पैरा कमांडोज की, बात करते हैं दे आर द हिल वॉरियर्स। एक जुनून होता है पैरा कमांडो में जाने का, वो जुनून वो खौलता खून होता है। तो दोस्तों पैरा कमांडो की जो जो इनकी जो पोस्टिंग होती है ना वो सियाचिन ग्लेशियर वगैरह या फिर बहुत ऐसी जगह होती है जहां पर लद्दाख वगैरह एलओसी जहां पर जान का बहुत खतरा होता है, फिर दे आर पोस्टेड इन दैट रीजंस। तो इन रीजन के लिए इनको उन रीजन पे मिलता है इनको फील्ड एरिया अलाउंस। जितनी ज्यादा ऊंचाई पर होंगे उतना ही ज्यादा इनका फील्ड एरिया। तो जिनका फील्ड एरिया अलाउंस होता है वो मिलता है 15,000 रुपए इनको फील्ड एरिया अलाउंस मिलता है। अगर ये लोग सियाचिन में जाते हैं तो 15,000 से ये ज्यादा भी आपकी जो जो ये जो अमाउंट है वो ज्यादा भी हो सकता है दोस्तों। अब बात करते हैं हो एंड हालो जो मिलता है, मींस जब अगर ये हाई ऑल्टीट्यूड पे जब पैराशूट जंप करते हैं तो उनके लिए इनको जो पे मिलता है वो मिलता है 14,270 रुपए। 14,270 रुपए इन्हें ये हाहो और हेलो मिलता है। आप देख लेते हैं और क्या क्या चीजें मिलती हैं वो आपको बता देते हैं। हाँ दोस्तों अब और बता देते हैं, दो तीन चीजें और रह गई हैं। देखिए कैंटीन फैसिलिटीज आपको, टोटल कैंटीन फैसिलिटीज आपको मिलती हैं, सारी फ्री आपको मिलती हैं दोस्तों। लो इंटरेस्ट लोन्स, मान लीजिए आपकी जॉब लग जाती है, जॉब के बाद आपको आपका घर चाहिए, मान लीजिए आप नहीं है इतनी कैपेबल कि आपका घर था पहले, तो आप जब घर लेना चाहते हो अगर आप जाके आप है ना किसी भी बैंक से आप लोन लेना चाहते हैं तो वो लो इंटरेस्ट लोन्स में आपको लोन को प्रोवाइड करेगा दोस्तों। सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है वो होती है राशन की फैसिलिटी। राशन की फैसिलिटीज आपको मिलती है बिल्कुल फ्री, आपको राशन की फैसिलिटीज दी जाती है। गेहूँ चावल जो भी जौ चना जो भी चीज़ें राशन में मिलती हैं वो सब आपके लिए फ्री होती है दोस्तों। और जो लास्ट में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है इनकी छुट्टियों के बारे में, चलिए थोड़ा सा बता देते हैं हम आपको। ये जो एनुअल मतलब सालाना, हर सालाना पैरा कमांडोज को कितनी छुट्टी मिलती है, सिर्फ 2 मंथ की छुट्टी मिलती है। मतलब 12 महीने में से 2 मंथ की छुट्टी, 60 दिन की आपको यहाँ पर छुट्टी मिलती है। और अगर आप 20 दिन और कहना चाहें तो कैजुअल लीव भी मिलती है, जो कि होती है सिर्फ 20 दिन की कैजुअल लीव आपको प्रोवाइड की जाती है जब आप तैनात हो जाते हैं ऐसा पैरा कमांडो। वो जब आप मैरून बैरे पहन लेते हैं, बलिदान बैज पहन लेते हैं, तब आपको ये सब इतनी चीजें मिलती हैं दोस्तों। तो ये था 01/2021-22 के लिए जो जो चीजें बहुत ही जो नई इनमें जो रिसाइट हुए, जो सैलरी आपकी बदली है उसमें थोड़ा बहुत जो चेंज आए हैं वो सब ये था आपको दोस्तों। तो आई थिंक आपको वीडियो पसंद आएगी, तो वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा उन सब बच्चों तक जिनको जो बनना चाहते हैं, इनका सपना है एक पैरा कमांडो बनने का, उनसे वीडियो जरूर शेयर करिएगा। तो नमस्कार दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।